हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी ब्लॉगर पूजा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है खीरे का रायता। यहाँ पर खीरे के रायते बनाने के लिए मैंने ली हुई है 2 बड़े खीरे और रोस्टेड हुए पीनट्स। ये पीनट्स को मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए हुए हैं और उसमें मैं डालूंगी मिर्ची और थोड़ी सी हरी धनिया ली हुई है मैंने। अब क्या करना है, हमें खीरे को अच्छे से धुलकर इसे छील लेना है। छीलने के बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छे से क्रश करना है और ये जो इसके अंदर का बीज वाला पोर्शन होगा उसे आपको ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऊपरी, ये बीज वाला एरिया आप क्रश नहीं करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको क्रश करना है, बीज वाली एरिया को आपको बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद हमारे जो बचेंगे क्रश हुए, ये देखिए, ये हमने जो खीरा क्रश किया था ये रखा हुआ है उसमें। अब हमें क्या करना है, ये जो रोस्टेड पीनट्स है और उसमें एक मिर्ची, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिर्ची बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे उस मिर्ची और धनिया को हम क्या करेंगे, ग्राइंडर में अच्छे से पीस कर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे जो क्रश किए हुए हमारे खीरे हैं वो उन्हें मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब उसे जो हमने ग्राइंडर में अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, ये देखिए, इस तरीके से स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, उसे हम इस खीरे में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अगर थोड़ी सी बची हुई हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करके, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप एक बार बना के एक बार टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हमें ऐड करना है इसमें थोड़ा सा नमक और हम ऐड करेंगे इसमें 2 से 4 चम्मच दही। आप इसमें दही ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी, मीठी दही ऐड कर दीजिए या फिर खट्टी मीठी जो दही हो वो आप 4 से 5 चम्मच ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप इसे क्या कीजिए, तड़का लगा दीजिए, जीरा और मीठी बत्ती का तड़का लगा दीजिए। और ये देखिए, हमारा खीरे का रायता बिल्कुल 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है और ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है धनिया के कारण, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा कलर आ गया है और ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और आप सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।